Now, we have seen the theory in last lecture related to time of supply of goods, जिसमें forward charge, reverse charge दोनों देखा. Under section 12, subsection 2, forward charge. Section 12, subsection 3, reverse charge of CGST Act 2017. Yes. Now, आ जाओ थोड़ा practical भी कर लो. See, what is given? Determine the time of supply. Time of supply determine करना, जिसको प्यार से हम लोग shortcut में बोलते हैं TOS. Time of supply in each of the following cases as per the provision of GST Act. Exam का समय, ठीक है? 5 marks के लिए था. अब देखो, 5 items है, 5 marks. Serial number, date of removal. बेटा removal आ गया, date of removal. तो last lecture में बताया मैंने, ठीक है? तो date of removal, removal मतलब कौन सा? Time of supply of goods ही हो गया. अब removal में देखो, time of supply of goods में first case ही है ना? For movement of goods involved, you can see here, what for movement of goods involved, movables के लिए क्या देखते हैं हम लोग, क्या theory पढ़ा? Invoice issued date, कब invoice issue किया है और last date of issue of invoice क्या है? Last date of issue of invoice मतलब वही जो आपको question में दिया है, removal. क्या? Removal of goods. तो जो removal of goods का date है ना, वो last date of issue of invoice है. देखो ये, see here. ये जो रिमूवल ऑफ गुड्स का डेट है ना बेटा, रिमूवल ऑफ गुड्स, ये लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है? और ये डेट ऑफ इनवॉइस है, मतलब आपने इनवॉइस इश्यू कभी किया, लेकिन इनवॉइस इश्यू डेट, ठीक है? अब क्या बताया मैंने थियरी में, ये दोनों में से जो अर्लियर होगा, सिंपल लेमैन लैंग्वेज बच्चों वाला थिंग बताया मैंने, कि ये दोनों में से जो अर्लियर होगा उसी को आपको लेना है, वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा. अब सुनो, अब ये जो डेट ऑफ पेमेंट दिया ना, डेट ऑफ पेमेंट, ये पहले कंसिडर होता था कि ये दोनों में से जो अर्लियर आया, फिर डेट ऑफ पेमेंट को कंपेयर करो, फिर उसमें से जो अर्लियर आएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई. बट अब एज पर द न्यू अमेंडमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, एडवांस पेमेंट आपको नहीं देखना है, समझा? ये नहीं देखना है, तो इसको ध्यान ही मत देना, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, डेट ऑफ पेमेंट को सोचना ही नहीं है आपको, देखना ही नहीं है, समझ गया? कौन से केस में? लेकिन ये कौन से केस में? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज. अब डेट ऑफ रिमूवल है, बराबर है, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं भाई, फॉरवर्ड चार्ज ही होगा, कॉमन सी बात है, कुछ नहीं दिया तो फॉरवर्ड चार्ज. तो फॉरवर्ड चार्ज में आपको एज पर न्यू अमेंडमेंट आपको रिमूव मीन्स डेट ऑफ पेमेंट नहीं देखना है, पहले था, पहले फिर ये दोनों में से जो अर्लियर होगा, फिर यहां से कंपेयर करो, डेट ऑफ पेमेंट से कंपेयर करो, फिर उसमें से जो अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता था. बट अब आपको ये डेट ऑफ पेमेंट कौन से केस में, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, ये भी याद रखना, फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज अंडर सेक्शन सेन व्हाट, अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, सिंपल. ओके, ठीक है, तो याद रखना, बराबर. तो चलो आ जाओ, अब हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे, फिर तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. अभी आप ही लोग आंसर बताओगे मुझे क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई. सो चलो बच्चों, फिर एक एक करके बताओ आप मुझे. अब मैंने क्या बोला, डेट ऑफ रिमूवल मतलब लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है, और ये इनवॉइस इश्यू डेट है, और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज में डेट ऑफ पेमेंट अब न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से नहीं होगा कंसिडर, तो इसको देखना नहीं, एडवांस पेमेंट की डेट आपको देखनी नहीं है फिलहाल, ठीक है, एज पर न्यू अमेंडमेंट. हा, एज पर न्यू अमेंडमेंट याद रखना, कौन सा? न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से, ठीक है. तो ठीक है, चलो देखते हैं फिर. अब देखो, मींस आपको क्या करना है, सिर्फ डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस ये दोनों को कंपेयर करना है. डेट ऑफ रिमूवल क्या हो गया? लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो गया, और डेट ऑफ इनवॉइस तो इनवॉइस इश्यू डेट है ही, ठीक है. अब ये दोनों में से जो अर्लियर होगा, बच्चों वाला थिंग, ये दोनों में से जो अर्लियर होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा. ये दोनों में से जो अर्लियर होगा दैट विल बी व्हाट, योर टाइम ऑफ सप्लाई, बस और कुछ नहीं. तो चलो पहले का बताओ, डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 15 अप्रैल, डेट ऑफ इनवॉइस 18 अप्रैल, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? एकदम बच्चों वाला थिंग, क्या करना है, दोनों में से जो अर्लियर डेट है वो ले लो, खत्म. और फिलहाल इधर अर्लियर डेट क्या है, टाइम ऑफ मींस लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो 15 अप्रैल हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई आपका हो गया 15 अप्रैल 2018, ठीक है. अब ये एग्जाम में
या आपको एग्जाम में 2020 रहेगा, तो इधर फिलहाल 18 दिया है, बराबर है, लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है इसलिए 18 दिया है, तो वो एग्जाम के हिसाब से जो डेट रहेगा वो डेट के हिसाब से आपने को देखना है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, 15th मई, तो आपको एग्जाम में क्या रहेगा उधर, 15th अप्रैल 2020, 18th अप्रैल 2020, याद रखना उसके हिसाब से रहेगा, ठीक है। चलो अब बताओ, फिलहाल तो इधर कंसिडरेशन अपना डेट का ही है, 15th मई और 14th मई, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स है 15th मई और डेट ऑफ इनवॉइस है 14th मई, तो टाइम ऑफ सप्लाई बोलो क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई, चल मई, टाइम ऑफ सप्लाई, क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन, 14th मई, परफेक्ट परफेक्ट, 14th मई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, करेक्ट, वेल डन बेटा, वेल डन, शाबाश, वेल डन हर्ष। अच्छा इसमें से बताओ, अभी 1st अक्टूबर 2018 है और 16th ऑफ अक्टूबर, मतलब लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है 1st अक्टूबर और डेट ऑफ इनवॉइस है 16th अक्टूबर, सो टाइम ऑफ सप्लाई 1st अक्टूबर, यस, सिंपल। चलो 4th ऑफ डिसंबर, 6th ऑफ डिसंबर, टाइम ऑफ सप्लाई, यस, 4th ऑफ डिसंबर, परफेक्ट परफेक्ट, 4th ऑफ डिसंबर, वेल डन वेल डन, शाबाश, 4th ऑफ डिसंबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, समझा, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ही आपका पहला है, ठीक है, फर्स्ट डेट देख रहे हैं, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और मैंने क्या बोला, एकदम सिंपल यार कंपेयर करने का, ठीक है, ये दोनों डेट में से जो अर्लियर है वो ले लो, बस पहले का डेट ले लो, दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और पहले क्या करते थे हम लोग, जब अमेंडमेंट के पहले, अमेंडमेंट जब ये रूल नहीं हटा था डेट ऑफ पेमेंट वाला, ये नहीं हटा था, तब क्या करते थे, तब देखो सिंपल, 4 दिसंबर और 6 दिसंबर में से सबसे पहला क्या आया, 4 दिसंबर, फिर इधर है 10 दिसंबर, फिर 4 दिसंबर और 10 दिसंबर को कंपेयर करने का, तो पहला कौन सा, 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर ही आएगा, दैट्स इट, समझा, ऐसा 5th दिसंबर और 10 दिसंबर, ठीक है, 5th दिसंबर और 10 दिसंबर, कौन सा, 5th दिसंबर, राइट। और पुराने लॉ के हिसाब से भी अगर आप कंपेयर करोगे ना, पुराने लॉ के हिसाब से भी, तो फिर भी आपको यही आंसर आएगा, क्योंकि पुराने लॉ में भी सब डेट देख रहे हो, बात की डेट है, पुराना लॉ जो था, जब आप डेट ऑफ पेमेंट को भी लेते थे, कंसिडर करते थे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, याद रखना, ठीक है। चलो इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, इज देयर एनी डाउट, डेट ऑफ रिमूवल आपका क्या है, इधर लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है, याद रखना, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब इस डेट तक आपके इनवॉइस इश्यू हो जाने चाहिए थे, और इधर आपने इनवॉइस कब इश्यू की है वो डेट है, अब दोनों को कंपेयर करो, जो अर्लियर होगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट, पक्का, हाँ, अब एग्जाम में अगर ये सम आ गया तो सॉल्व कैसे करना है ये दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, तो चलो ना वही करते हैं हम लोग, आ जाओ, कैसे प्रेजेंटेशन करना है अपने को सब दिखाना है, लेट्स स्टार्ट, सुनो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करने के लिए है ना, हम लोग करंट के हिसाब से लेते हैं, इधर क्या करता हूं मैं, डेट है ना डेट, ये जो 2018 है ना 2018, ये सब पूरा हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको क्या एज्यूम करते हैं, ये 2020 है, 2020 बराबर है 2020, तो ये 19 वाला क्या होगा 21, बस ये माइनर सा चेंज है 2000, ये सब 2020, जितना 2018 है ना उसको हमने क्या कन्वर्ट किया है करंट के हिसाब से 2020, और जो 2019 रहेगा वो 2021, ठीक है, बस ये याद रखो। तो हम लोग आंसर में 2020-21 के हिसाब से करते हैं, ठीक है, बराबर है, बाकी उसका तो कोई है नहीं, मेन अपने को ये डेट और मंथ ही देखना है आपको, ठीक है। चलो तो देखा ना क्या क्या बोला मैंने, ये 2000 जो 18 है वो क्या हो जाएगा आपका 2020, और ये जो 2019 है दैट विल बी 2021, तो इधर जितने हैं ये सब 2020, और ये 2019 वाला 2021, ठीक है। और फिलहाल तो डेट ऑफ पेमेंट तो अपने को कंसिडर करना ही नहीं है, ठीक है, तो चलो आ जाओ कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है आपको, आ जाओ। सो वेरी सिंपल फॉर्मेट, टाइम ऑफ सप्लाई आपको फाइंड करना है, टाइम ऑफ सप्लाई, सो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए नंबर, डेट ऑफ रिमूवल, अब डेट ऑफ रिमूवल के कॉलम में क्या लिख दिया आपने, डेट ऑफ रिमूवल मींस व्हाट, लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस, लास्ट डेट क्या होगा इनवॉइस इशू करने का, और डेट ऑफ इनवॉइस अपने को क्या है,
अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, मेन क्या फाइंड आउट करना आपको, टाइम ऑफ सप्लाई, तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, क्या हो जाएगा, डेट ऑफ रिमूवल, दैट इज लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, फिनिश, ओके। चलो तो आ जाओ, अब इसमें अपने पास कितने हैं, फाइव आइटम्स आर देयर ना, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे जितने भी रहेंगे करते जाने का, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, दैट्स इट, तो प्रैक्टिस का सम दूंगा ना उसमें, सिक्स सेवन एट नाइन टेन जो भी रहेगा सेम करते जाओ, बस खत्म, फिनिश, ठीक है। चलो अब डेट ऑफ रिमूवल आ जाओ, क्वेश्चन में देख लो, रिमूवल के डेट्स आपको सब दिए हैं, 15 अप्रैल, अब मैंने क्या बोला इधर 18 की जगह पे क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, करंट के हिसाब से ले रहा हूं, तो इधर देखो 15 अप्रैल 2018, ठीक है। तो पहले हम लोग रिमूवल और इनवॉइस जो है सब उतार देते हैं, डिट्टो सेम, 15 अप्रैल है, 15 मई है, 1 अक्टूबर है, बराबर है, आ जाओ। अप्रैल ये 2020 कर रहा हूं मैं, डेट इधर चेंज कर रहा हूं, ठीक है, करंट के हिसाब से बस, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बराबर, क्लियर है। तो फिलहाल जैसा एग्जाम में आएगा उस डेट के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ओके, व्हाट इट, बराबर है ना। चलो तो आ जाओ, डेट सब लिखते जाओ जो जो दिया आपने को, पहला 15 अप्रैल है, देन नेक्स्ट क्या दिया था अपने को, 15 अप्रैल के बाद 15 मई, पहले सेम उतार दो सब, 15 मई जो दिया, ठीक है, 15 अप्रैल है, 15 मई है, 2020, राइट, फिर आपको क्या है, 15 अप्रैल 15 मई, देन आपको दिया है 1 अक्टूबर 2020, देन नेक्स्ट है 4th December 2020, ठीक है ना, वो 2018 जो दिया है वो पुराने क्वेश्चन के हिसाब से, पेपर का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इधर रेक्टिफाई कर दिया, थोड़ा ईयर अपडेट कर दिया है, 2020 कर दिया बस, तो क्वेश्चन इधर बना लिया मैंने, तो कंफ्यूज मत होना उसमें, तो 5th December, अब ये 5th December 2021, क्योंकि उधर 19 है, इधर 21 हो जाए, ठीक है, बराबर है, वो 2 years पहले का क्वेश्चन पेपर है ना, बराबर, तो अब जो एग्जाम में आएगा तो ऐसा आएगा आपको, ईयर ये रहेगा जो दिया है। चलो फिर डेट ऑफ इनवॉइस आ जाओ, इनवॉइस में क्या है, 18th April 2020, नेक्स्ट 14th May 2020, आफ्टर दैट 16th of October 2020, देन 6th of December 2020, और फाइनली 10th of February, ये 2021 हो गया। मतलब जिधर जिधर क्वेश्चन में, 2 साल पहले के क्वेश्चन में 2018 दिया था, अब करंट के हिसाब से हमने क्वेश्चन अपडेट करके 2020 लिया, और जिधर 2019 है उधर 2021 कर लिया, बस खत्म, फिनिश, ठीक है। चलो अब अपना मेन फाइंड आउट करना इधर टाइम ऑफ सप्लाई, तो विच एवर इज अर्लियर, कौन सा अर्लियर है दोनों में से, 15 अप्रैल की 18 अप्रैल, 15 अप्रैल लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो 15 अप्रैल 2020 ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई, इधर 14th May 2020 लास्ट डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस था 15 मई, बट आपने पहले इशू कर दिया तो 14 मई, नेक्स्ट इधर 1 अक्टूबर 2020, बराबर है, इधर 4 दिसंबर और 6 दिसंबर में 4th December 2020 टाइम ऑफ सप्लाई, इधर आपका 5th December 2020 will be the time of supply. That's it. हो गया, finish. Sum over. हो गया. 5 marks लेके जाओ. खत्म.
अभी ऐसे ही आइटम्स 5, 6, 7, 8, 9, 10 रहेगा तो 10 मार्क्स हो जाएगा, खत्म, डन, समझा? चलो हो गया सबका। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस वाला समझूंगा ना, उसमें क्या रहेगा, अब डेट ऑफ रिमूवल की जगह पे इन प्लेस ऑफ डेट ऑफ रिमूवल क्या रहेगा उधर, डेट ऑफ क्या, देख लेते हैं प्रैक्टिस वाले सम में, मतलब प्रैक्टिस वाले सम में आपको डेट ऑफ क्या दिया रहेगा, ये देखो मेड अवेलेबल थिंग्स वाला दिया रहेगा, तो ये प्रैक्टिस में करना है। देखो देखो इधर डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई में सब कुछ वही है, सिर्फ इधर आपको डेट क्या दिया है, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, तो ये कौन सा हो गया, इमूवेबल्स वाला हो गया, बराबर है। और इमूवेबल्स में पता है ना, जब भी आपने गुड्स मेड अवेलेबल किया है वही क्या हो जाएगा, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, दैट्स वही आपका लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा बेटा। और डेट ऑफ इनवॉइस तो जब भी आपने इनवॉइस इश्यू किया है, ये तो आपका इनवॉइस इश्यू डेट हो गया, दिस इज व्हाट योर इनवॉइस इश्यू डेट, दैट्स इट, दैट्स इट बडीज, यही है, समझा, यही है, इसीलिए सही है, राइट तो ये प्रैक्टिस में करना है आपको बस, बाकी सब फॉर्मेट पूरा सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, देखा ना आपने, सिर्फ इधर डेट ऑफ रिमूवल की जगह पे क्या रहेगा, डेट ऑफ जो दिया है मेड अवेलेबल थिंग्स वही लिखना है, और ब्रैकेट में सेम लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, दैट्स इट, बस यार यही चे, और कुछ नहीं है, एंड नथिंग इज देयर, समझा, मालूम पड़ा, क्लियर? चलो आ जाओ, तो क्लियर है, किसी को डाउट है, कुछ डाउट, क्या डाउट क्या है, तो सिंपल है ना, लेकिन फिर भी कुछ डाउट है तो बोलो, कोई टेंशन नहीं है कुछ, ओके आ जाओ, सो नो मैसेज इन टेक्स्ट चैट बॉक्स, मतलब डाउट नहीं है, ओके चलो आ जाओ। अब इसका बताओ फटाफट मुझे सब लोग, एवरीथिंग व्हाट विल बी देयर, सब कुछ एवरीथिंग इज सेम, अब ये कौन सा केस है पता है ना आपको, ये वाला केस है, देखो जो आपने पढ़ा था ना इधर, इमूवेबल्स का केस है, ठीक है, तो इमूवेबल के केस में मेड अवेलेबल थिंग्स है, तो मेड अवेलेबल थिंग्स ही आपका जिस दिन पे मेड अवेलेबल थिंग्स किया वो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ये लास्ट डेट होगा, इस लास्ट डेट तक इश्यू करना है या इसके पहले, बराबर, तो ये लास्ट डेट जो भी रहेगा, और जब आपने इश्यू किया इनवॉइस वो दोनों को कंपेयर करो, जो अर्लियर होगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स, इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, गॉट इट, क्लियर? तो चलो आ जाओ, नाउ लेट्स डू इट, कम ऑन, तो आ जाओ, अब बताओ मुझे आंसर फटाफट सब लोग, बोलो। Determine time of supply in following independent cases as per the provisions of CGST Act 2017, ठीक है, अब देखो इसमें कितने आइटम्स है, 7 आइटम्स है, इसलिए 7 मार्क्स का दिए है ना, ठीक है, चलो आ जाओ, सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। हाँ, अब इसमें भी देखो क्वेश्चन अपडेट कर रहा हूं मैं, अब जितने 2017 ईयर है सबको क्या कर रहा हूं मैं इधर 2020, ये सब 2020 हो गया, और ये दोनों 2019, ठीक है, सॉरी 19 क्या 2021, बराबर, यहां भी ये दोनों 2020, और ये जितना भी है ये 2021 अपडेटेड, ठीक है, ये 2020 और ये जितना भी है ये 2021, बराबर, ठीक है, चलो आ जाओ। नंबर वन, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, तो ये क्या हो गया, लास्ट डेट ऑफ, दिस इज व्हाट, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ये लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है, और ये इनवॉइस इश्यू डेट है, इनवॉइस इश्यू डेट, This is what invoice issue date. Okay? चलो बेटा, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तो वैसे भी अपने को देखना नहीं है एज पर द न्यू अमेंडमेंट, ये तो देखना ही नहीं है आपको,
सो उसको छोड़ ही दो न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 राइट. ये तो पेमेंट का अभी देखना नहीं है, जो भी एडवांस पेमेंट है कुछ भी देखना नहीं है. आ जाओ बोलो अभी आंसर बताना, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा आपका? ठीक है, POS. ये प्रैक्टिस दिया है लेकिन आप मेरे साथ ही कर रहे हो, फॉर्मेट जैसा पीछे बताया मैंने सेम वैसे ही करना है आपको. ठीक है बराबर है, सेम डिटरमिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है, डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है चलो, तो आपके पास डेट ऑन विच गुड्स, फॉर्मेट सेम है, यही वाला फॉर्मेट जो पीछे किया ना सेम वैसे ही करना है. ठीक है, ऊपर से तो हेडिंग डाल देना है डिटरमाइनिंग व्हाट या डिटरमिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई करके ऊपर जो हेडिंग डालो टाइम ऑफ सप्लाई, बस दैट्स इट, चलेगा. ठीक है आ जाओ, अब डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल 12th ऑफ डिसंबर है और इनवॉइस इश्यू डेट है बेटा 15th ऑफ डिसंबर. बोलो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? शाबाश, वेरी गुड बेटा. यस, अर्लियर कौन सा है दोनों में से? 12 दिसंबर. परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड. चलो 17 दिसंबर लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है, दैट इज मेड अवेलेबल, और इनवॉइस इश्यू डेट है 28 दिसंबर. तो इसमें क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई? क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन बेटा, शाबाश, वेरी नाइस, वेल डन शेख, वेरी गुड. 17 ऑफ दिसंबर, परफेक्ट. यस 17th ऑफ दिसंबर, वेरी गुड. ठीक है आ जाओ फिर नेक्स्ट, 25th दिसंबर है लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और आपने इनवॉइस इश्यू किया 4 जैन, बराबर है 4 जैन को, तो क्या होगा? 4 जैन 2000 ये 21 है, बराबर है 2021, 18 को 21 किया ना आपने, तो क्या होगा? सेम वही 25th दिसंबर, बराबर है 25th दिसंबर, वेरी गुड. क्या बात है, क्या बात, वेल डन शेख, वेरी गुड. नेक्स्ट 26th अक्टूबर और 16th ऑफ अक्टूबर क्या होगा? बोलो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 26th ऑफ अक्टूबर लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस था बट इनवॉइस इश्यू किया 16th ऑफ अक्टूबर को, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? दोनों में से अर्लियर कौन सा है? 16th है, इधर अर्लियर कौन सा है? 16th ऑफ अक्टूबर, बराबर है. और अगर पुराना प्रोविजन देखते आप तो ये 16th ऑफ अक्टूबर होता जो पुराना लॉ था अमेंडमेंट के पहले वाला, फिर इसको किससे कंपेयर करते? पेमेंट से, रिसिप्ट ऑफ, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट डेट अर्लियर था तो पेमेंट वाला 15th अक्टूबर आ जाता टाइम ऑफ सप्लाई. बट फिलहाल तो अपने को पेमेंट डेट देखना नहीं है एज पर द न्यू अमेंडमेंट, एडवांस पेमेंट कुछ देखना नहीं है बेटा. ठीक है, एडवांस पेमेंट का डेट अपने को कंसिडर नहीं करना है. ठीक है चलो, किसमें? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, याद रखना बार बार बोल रहा हूं, समझा? चलो नेक्स्ट, 18th ऑफ दिसंबर है बेटा और इधर 12 दिसंबर, चलो कौन सा होगा टाइम ऑफ सप्लाई? यस अर्लियर 12 दिसंबर, क्या बात है बच्चों, वेरी गुड, वेल डन शाबाश. चलो 15th ऑफ जैन 2021 और 16th ऑफ जैन, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 15th ऑफ जैन है, इनवॉइस इश्यू क्या था 16 जैन, तो 15 जैन, परफेक्ट 15 जैन. उसके बाद 17th ऑफ फेब 2021, 13th ऑफ फेब 2021, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस था आपका 17th ऑफ फेब, 17 फरवरी को इशू करना था बट आपने इशू किया 13 फेब को, तो अर्लियर 13 फेब, That's it. हो गया. बराबर ऐसे ही आपको करना है. क्लियर? किसी को डाउट इसमें तो बोल सकता है, राइट? हाँ, और अगर समझो यही अगर पहले वाला प्रोविजन होता, चेंज के पहले वाला, जो अमेंडमेंट नहीं, अगर अमेंडमेंट के पहले वाला देखते तो अमेंडमेंट के पहले वाले में आपको रिसिप्ट पेमेंट से भी कंपेयर करना पड़ता, तो 13th ऑफ दिसंबर और फिर 12 दिसंबर को, 13th ऑफ फेब और 12th ऑफ फेब को कंपेयर करते तो आंसर 12th फेब आता, बट आपको ये कंसिडर करना नहीं है इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉरवर्ड चार्ज
दैट इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में आपको अब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एडवांस पेमेंट का डेट नहीं देखना है, ठीक है? चलो बराबर, ओके ओके सूरज, ठीक है, क्लियर ना? बस फॉर्मेट सेम रहेगा जैसा मैंने बताया, इधर टाइम ऑफ सप्लाई ऊपर करने का आपको, हाँ चाहिए तो इधर ऐसा लिख देना, क्या डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई, डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई, दैट्स इट, बाकी पूरा सब सेम है, या डिटरमिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, व्हाट इट, फॉर्मेट कैसा बनाना है एग्जाम में वो भी मालूम पड़ गया सबको, हाँ ओके क्लियर है ना बच्चा? अब एक और सम प्रैक्टिस में ले लो, टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है इन इंडिपेंडेंट केसेस एज पर सेक्शन, मतलब एज पर प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, देखो डेट ऑफ डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, मतलब ये लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इमूवेबल का ही केस है पता है ना, मेड अवेलेबल तो इमूवेबल का केस, और ये इनवॉइस इश्यू डेट, इनवॉइस इश्यू डेट, अब इसमें सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में तो एज पर न्यू अमेंडमेंट नए रूल के हिसाब से डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट देखना ही नहीं है आपको, एडवांस पेमेंट का डेट देखना नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का डेट नहीं देखना है, एडवांस पेमेंट डेट नहीं देखना है एज पर न्यू रूल, याद रखना चेंज हो चुका है, बराबर है? क्योंकि पुरानी बुक अगर किसी के पास रहेगी तो उसमें ये इससे भी कंपेयर होगा, वो पुराना था अब नए में इसको नहीं देखना है अपने को, लेकिन किसके लिए, सिर्फ सिर्फ डेट ऑफ मीन्स सिर्फ किसके लिए, ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, बस अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के लिए, बराबर है? याद रखना, ठीक है, मालूम पड़ गया? तो बस आ जाओ खत्म फटाफट, देखो अब इसमें बता दो टाइम ऑफ सप्लाई मेरे को डायरेक्टली, ये दोनों को कंपेयर करो जो अर्लियर रहेगा, तो इधर टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये 17-18 मतलब 2020-21 नया अपडेटेड, ठीक है, जो आपको एग्जाम में आएगा तो डेट 2020-21 आएगा, बस हो गया खत्म, गेम ओवर। अब इसमें कौन सा है, 7 दिसंबर 10 दिसंबर, तो ये हो गया टाइम ऑफ सप्लाई, इधर क्या होगा 4 जनवरी पहला है टाइम ऑफ सप्लाई, 20th अक्टूबर 7th अक्टूबर ये टाइम ऑफ सप्लाई है, ये पहले डेट है,